बाबा महाकाल की सवारी पर छत से थूकने वालों के मकान तोड़ने प्रशासन और पुलिस की टीम ढोल नगाड़ों के साथ पहुंची। ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ बुलडोजर ने मकान तोड़ना शुरू कर दिया, जिसे देखने बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो गई। उज्जैन में मकान पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। महाकाल सवारी के दौरान थूकने वालों के मकान तोड़ने ढोल नगाड़ों के साथ उज्जैन प्रशासन पहुंचा। बुलडोजर लेकर आरोपियों के घरों पर कार्रवाई करने पहुंचे। सावन के दूसरे सोमवार को निकली महाकाल की सवारी पर छत से थूकने वाले आरोपियों के घर बुधवार सुबह प्रशासन का बुलडोजर चला। इसके पहले प्रशासन और पुलिस की टीम ढोल नगाड़ों के साथ बुलडोजर लेकर कार्रवाई करने पहुंची। इलाके में लोगों की भीड़ भी जमा हो गई, जिसकी वजह से पूरे क्षेत्र में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। आपको बता दें कि एक युवक और दो नाबालिगों द्वारा भक्तों के ऊपर थूकने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी युवक को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया है। दो आरोपी जो नाबालिग थे, उन्हें बाल संरक्षण गृह भेजा गया है। इनके मकानों के अवैध निर्माण पर आज प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया है। हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने एक दिन पहले ही सरकार से मांग रखी थी कि आरोपियों के मकान तोड़े जाएं। मकान टूटने की कार्रवाई के बाद विधायक शर्मा ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। महाकाल की सवारी जो है पूरे हिंदुस्तान की आस्था की सवारी है, सनातन धर्म हिंदू धर्म की आस्था की महासवारी है, और महाकाल का देश भी है, महाकाल का उज्जैन भी है, और महाकाल का ये प्रदेश भी है। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को और उनकी सरकार को धन्यवाद देता हूं कि हमने जो कहा था कि जिनने महाकाल की सवारी पर जिन छतों से थूका है, उस छतों को तोड़ने की कार्रवाई की जानी चाहिए, और सरकार ने अपना काम शुरू किया है। मैं सरकार को धन्यवाद और बधाई देता हूं। और दूसरे में कुछ आक्रांताओं को, कुछ बावरों की औलादों को ये बता देना चाहता हूं कि देखो, नवाज पढ़ने में आपत्ति नहीं है, खूब नवाजे पढ़ो, खूब कुराने पढ़ो, इस पर आपत्ति नहीं है, लेकिन अब ये कान खोल कर सुन लो, राम का अपमान, कृष्ण का अपमान, महावीर का अपमान, गौतम बुद्ध का अपमान, गुरु नानक का अपमान हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर तुमने अब इस तरह के सवारियों पर थूकना या शोभा यात्राओं पर पत्थर या मंदिरों की प्रतिमा तोड़ने का षड्यंत्र या साजिश की, तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हिंदू समाज अपने हाथों से भी जवाब दे सकता है और सरकार भी जवाब देगी, लेकिन ये कान खोलकर सबको सावधान समझ लेना चाहिए कि हिंदुस्तान में, भारत की भूमि पर भारतीय जनता पार्टी मोदी का राज है, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का राज है, राम कृष्ण महावीर गौतम बुद्ध और गुरु नानक का अपमान ये देश किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। जिनने थूका है उनके मकान तोड़े हैं, अभी तो कानून के शीशे के अंदर रहेंगे, जेल के अंदर भी सड़ेंगे। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।